यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइस। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। पता है आप लोगों का पेपर आपका तय हो चुका है, 22 दिसंबर को पेपर होगा। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पर नया तो टेक्निकल एग्जाम के को सब्सक्राइब के, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए बात के लिए सारे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे ब्रांच का पेपर है 22 दिसंबर को। तो पेपर वन एंड पेपर टू होगा, इसमें आपको दो एडमिट कार्ड ले जाना है, फिर आईडी प्रूफ ले जाना, उसका फोटो कॉपी ले जाना, दो फोटो ले जाना, सारी चीज़ें ले जाना। बट एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है खासकर सिविल इंजीनियर वालों के लिए, सिविल इंजीनियर के पेपर टू में बोला गया है कि कैलकुलेटर अलाउड है और प्रोग्रामर अलाउड नहीं है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। मींस आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं, गेट के लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कैलकुलेट वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है आपका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का टाइम ले लेता है, तो इसलिए क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है पेपर टू के लिए, पेपर वन में नहीं अलाउड है। तो आप पेपर टू में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, पेपर वन में नहीं। और अदर ब्रांच के लिए ये चीज़ कंडीशन नहीं है, सिर्फ सिविल ब्रांच वालों के लिए साफ साफ बोला गया है गाइज। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड।